स्टूडियो से एक थे छोट के सोहर सुनावे जात हई। सोहर राजा जनक जी के और देवी सीता जी के सोहर बा। तो जवन सोहर माता बहनी लोग गावत थीं जब लड़का होत है तो, और जब लड़का हो तो माता बहनी दीदी लोग इकट्ठा हो थी तो बहुत नीक सोहर गावत थी। और 10-10 बजे 11-11 बजे रात ले सोहर गाए जात है। वह सोहर याद करके आज हम सुनावे चलते ही। तो सोहर सुने और सोहर अगर अच्छा लागे तो चैनल का लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, कमेंट करें, आगे सुझाव भेजत रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सोहर सुनावे जाते हैं आप सबके। जय माता दी, जय अम्बी। अरे राजा तो चाले है नहा करब। कहीं ठीक है महाराज, हम लीप देवे। कहीं देखा चौक लीपू लेकिन धनुष नटारू, काहे से धनुष बहुत गंभीर बाय। कहीं ठीक है राजा, तू जा नहाए और हम लीप देवे। राजा जनक जी नहाए चला गए और रानी तो बैठ के सोचती है, कहती है राजा कहीं धनुष नटारा लेकिन बिना धनुष टारे कैसे लीप जाए। तो देखा रानी सीता का बुलावती है। सीता नान भरे की लड़की एकदम जो है छोट के रहें, उनका बलावती हैं। अब कैसे बलावती हैं, कहती हैं ए बिटिया हियाँ आवा। और सीता जी ठुमुक ठुमुक पायल पहने रहें, दौड़ी दौड़ी आए, कहती हैं का आए अम्मा, काहे बलावत यहाँ। कहीं बिटिया खेला जी तोहर बाबा नहाए गाँ है, तोहर बाबा नहाए गाँ है, तनके यह चौकुआ पूर देती। कहीं अम्मा चौकुआ हम पूर दी, आज तो पहली बार कहती है। कहीं नाई बिटिया तोहर बाबा नहाए गाँ है और तनका तू ही लीप दे चौकवा। तो सीता देखा करत कहाँ है, रानी कहत यहाँ अरे तू ही मोरी बेटी या से बेटी या हो तू ही लावा जात। कुछ उनका ज्ञान ना रहा लेकिन करत का वहां कि अरे सुराहिनी गाई या कई को ली।
जाती हैं जाय के सुरही गाय के गोबर लाए के और गंगा जल पानी लाए के बाएं हाथ धनुष उठाई के रख देती हैं अंत और दहने हाथ चौक लीप देती हैं और चौक लीप के चौरक पिसाने लाए चौक पूर के और बढ़िया से वही चौके के बीच में धनुष रख देती हैं। जब राजा आए नहाए के तो देखा तो है कि बहुत सुंदर सुंदर फूले से चौक रूप पूरे हैं और वही के बीच में धनुष रख देती हैं। तो देखा तह कहा था इक्के धनुष टारी सी और के चौक लीपी सी कहन की इतनी गंभीर धनुष टारिस के तो आए के रानी से पूछत है कैसे पूछत है अरे कई के नहनवा राजा ला पहली बार लीप कह दे तो कहती है कैसे कहती है अरे तोहरी नी बेटी या सीता आज बहुत खुश हो गए राजा तो देखा अपने बिटिया का कैसे बुलावत है राजा अरे राजा तो बिटिया का बोला से बहुत खुश सही आज तू ई धनुष टार के जोन चौक लीप दे यहाँ और पूर दे यहाँ चौक हम बहुत खुश सही आज पूजा करे से पहले तू जोन मांग ले हम तोन दे दे तुमका। तो सीता टुकुर टुकुर मुंह निहारती है अब नान भर के लड़की का मांगे बेचारी अपने बाबा के लख दिखा अपने अम्मा के लख दिखा सोचत बह मांगी तो काव मांगी हम तो इतना सोचत बह की काव मांगी
ओकरे समझ में कुछ ना आवत है। तयाख मूंद के महादेव के ध्यान करिस, कैस महादेव जी अब आप बतावे हम काव मांगी। तो महादेव जी मुस्कियात है, कहीं तू तो लक्ष्मी है, तू तो सब कुछ जानत हूँ कि काव मांगे एक बार। कहीं नाय गुरु जी आप बता दे हम मांगित काव मांगी। तो महादेव हाथ उठाए दिन, कहीं जो ने तोहरे मन में आवे उहे मांग। तो सीता मांगत काव है, कहीं बाबा हमका दे दिया तो जितना हम मांगी उतने दे दिया। कहीं बोला बिटिया, तो कहत काव है, अरे रानी कौशल्या जैसी सासु हो ससुरवा, राजा जा सारत हो ससुरवा, राजा जा सारत हो, अरे रानी कौशल्या जैसी सासु हो ससुरवा, राजा जा सारत हो ससुरवा, राजा जा सारत हो। जैसी सास मिले और राजा दशरथ जैसे ससुर मिले और हमका भगवान मिल जाए, हमार लहुरा देवल लक्ष्मण मिले। जब इतनी बात सुने तो राजा बहुत प्रसन्न हो गए और सीता काव मांगत है। सीता मांगत काव है कि भला निकम मिले मोरा ससुर हो तबाड़ है, बस उतने दे दिया बस। राजा जनक जी बहुत प्रसन्न हो गए, कहें ठीक है बच्ची, तू जितना मांगू तुम्हें उतना मिले। तो देखा फिर वही जो है राजा कहत है कि तू ही मोरी बेटी या से बेटी।